दोस्तों, सवर कोकिला लता मंगेशकर जी का कल निधन हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लता जी की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण हुआ है लता जी का स्वर्गवास। भारतीय रत्न और सवर साम्राज्ञी लता जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता जी के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गयी है। सम्मान के रूप में 2 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लता जी की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन के फेल्योर होने की वजह से हुई है। लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार कल शिवाजी पार्क में किया गया है। लता मंगेशकर जी के दुनिया छोड़ जाने के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक लगभग सभी मंत्रियों ने अपना दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि सदियों में एक बार ही ऐसे कलाकार का जन्म होता है। लता दीदी एक असाधारण इंसान थी जो गर्म जोशी से भरी हुई थी। दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजती रहेगी। उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं। वही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। लता दीदी हमें छोड़कर चली गई है। वो हमारे देश में एक खाली स्थान छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेगी, जिनकी सुरीली आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो दोस्तों, आपको लता जी की आवाज कैसी लगती थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।